ओम शांति। कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर में? हम बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे आज। थ्योरी भी बहुत सुन ली होंगी आपने और प्रैक्टिकल बातें भी सुनी हैं, लेकिन आज यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड ब्रिंग ए चेंज इन टू योर थॉट्स इन द वे ऑफ थिंकिंग। इस पर आज हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छी। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो कुछ आपको बताता हूँ वो कोई मैंने कहीं पढ़ के नहीं सीखा है। कोई सोचे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली होंगी साइकोलॉजी की, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा। हम लोग यहाँ पर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, भगवान के द्वारा बोले गए महावाक्य, उसमें थॉट्स के बारे में जितनी डेप्थ हमें पता चला वो सारे संसार की साइकोलॉजी में भी नहीं है। उनसे ऊपर की चीज़ें पता चल गई। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विजडम पढ़ने से प्राप्त नहीं होती। कोई सोचे वो बहुत किताबें पढ़ ले और वो वाइज मैन बन जाएगा, नेवर। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और ये डिवाइन विजडम है। इसलिए हमें बहुत चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस से देखना होता है। तो मैंने बहुत कम, केवल एक छोटी किताब सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी थी बहुत पहले, और फिर एक्सपेरिमेंट चालू कराए लोगों से, मैंने खुद किए और चालू कराए, तो उससे बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आ गए लोगों के, हजारों हजारों, और अब तो अनोइंगली लाखों के। बहुत लोग दुनिया में पावर ऑफ थॉट के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं विद फुल सक्सेस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें साइकोलॉजिस्ट कुछ बातों को नहीं जानते, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। बिल्कुल उन्हें उसकी कोई नॉलेज नहीं है, संसार के किसी भी साइकोलॉजिस्ट को। पहली चीज, मनुष्य का ब्रेन जितना पावरफुल और एफिशिएंट अब से 100 साल पहले था या 50 साल पहले था, अब नहीं है। आर यू एग्री टू इट? सोचना इस पर। और ब्रेन पर प्रेशर ज्यादा है 50 साल पहले से, 10 गुना ज्यादा है अब। और ब्रेन वीक और प्रेशर बहुत ज्यादा, इसके कारण से संसार में अनेक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको ये टॉपिक इस तरह भी डील करूंगा कि आप अपने मन की शक्तियों को पहचान कर जीवन में आने वाली समस्याओं का हल कर लें। हल हमारे ही पास है। जैसे किसी फैक्ट्री में ताला, लॉक कितना भी पावरफुल बनाया गया हो, जिसको सारी दुनिया के चोर मिलके न खोल सकें, लेकिन उसकी चाबी तो होगी ना, चाबी है उसकी, बस देखना ये है कि हम ठीक साइड में घुमाते हैं या उल्टी साइड में। अगर उल्टी साइड में घुमा दिया तो खुलने की बजाय बंद, समस्याएं खत्म होने की बजाय बढ़ जाती हैं। तो आज हमें अपने विचारों को चेंज करना, और ये स्लोगन आप याद करना, अगर आपके पास किसी की डायरी हो तो यू कैन नोट डाउन प्लीज, चेंज योर थॉट्स लाइफ विल चेंज।
मन के विचारों का ही गहरा असर जीवन पर, सफलताओं पर, रिलेशनशिप्स पर, हर जगह पर रहा है। अगर हम इस सीक्रेट बात को समझ लें तो वी कैन मेक आवर लाइफ वेरी ईजी, जिसकी बहुत ज़रूरत है दुनिया में। आप चाहे जिस प्रोफेशन से हैं, अगर आपने ईजी रहना सीख लिया बहुत सुंदर हो जाएगा। लाइफ विल बिकम ईजी, माइंड विल बिकम पावरफुल एंड सक्सेस विल कम आफ्टर यू। यू नीड नॉट टू रन आफ्टर सक्सेस, सक्सेस विल कम टू योर फीट। ईजी रहना सीखना है। हमारी मन की शक्तियों के बारे में जानने के लिए एक चीज और जाननी है हमें। आपने कल लेसन्स में ये जान लिया होगा अच्छी तरह, मैं कौन हूँ। बोलो कौन हूँ, कौन हूँ? सोल, पीसफुल सोल, पावरफुल सोल, प्योर सोल। आपने तो बहुत अच्छा जान लिया एक ही घंटे में। क्यों मैं कह रहा हूँ आपको ये हंसी की बात? हाँ, प्राचीन काल में हजारों साल पहले ऋषियों ने 6 फिलोसॉफिकल बुक्स लिखी हैं, जिसको 6 फिलोसॉफी ऑफ इंडिया कहते हैं। 6 दर्शन हैं वो। उनमें आत्मा के ज्ञान के बारे में लिखा है बहुत कुछ। उपनिषद आपने सुना होगा नाम, इंडियन स्क्रिप्चर हैं। 6 होली बुक्स लिखकर उन्होंने मान लिया कि हमें पता ही नहीं चला मैं कौन हूँ, और आपने एक घंटे में जान लिया, है ना वंडरफुल बात। दूसरा क्वेश्चन, आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, कौन सी? मन, बुद्धि और, सब बोलो मन बुद्धि। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, एक लाइन में आपने बता दिया, हमने पूछ लिया। क्यों ये बड़ा सीक्रेट है? संसार की सभी फिलोसोफीज में, साइकोलॉजी में, मेडिकल साइंस में एक चीज़ मिस हो गई, और वो मिस हुई प्रीवियस कंसेप्शंस के कारण। वो क्या था कि हमारी फिलोसोफीज में ये मान्यता थी कि मन और बुद्धि संस्कार ये आत्मा की शक्तियाँ नहीं हैं, ये आत्मा से अलग हैं। इसलिए मेडिकल साइंस ने भी उसको फॉलो किया और सारे संसार की साइकोलॉजी ने भी। इससे बहुत वीकनेस आ गई मनुष्य की लाइफ में। भले ही आपको ये बात पता हो या ना पता हो, दुनिया को पता हो या ना पता हो, लेकिन इस मान्यता से कुछ चीज़ें मिस हो गई संसार में। उदाहरण के लिए, डिप्रेशन होता है एक व्यक्ति को, युवकों में बहुत बढ़ रहा है, मैं आप सबको कहना चाहूँगा इससे बचेंगे। अब डिप्रेशन होता है मन में, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ब्रेन को, इसलिए सफल नहीं हो रहा है। साइकेट्रिक डॉक्टर जानते हैं, मानते हैं डिप्रेशन को ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो बीमारी मन की है, ये उन्हें पता नहीं, वो ब्रेन को ट्रीट कर रहे हैं। दवाई देंगे, ब्रेन थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएगा, मनुष्य सोचेगा हम ठीक हो गए, 1 मास के बाद फिर वैसे ही। या ब्रेन को डल कर देंगे, ज़्यादा सोचो ही नहीं, चलेगा काम, फिर ब्रेन डल होते होते लाइफ बिकम्स डल। तो मन बुद्धि संस्कार हमारी शक्तियां हैं। अब देखिए क्या मिस हुआ संसार में। बुद्धि के डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया गया, एजुकेशन बढ़ गई। आप में से जिसकी आयु बढ़ी है वो जानते होंगे, अब से 40 साल पहले
भारत में कितने कॉलेज हुआ करते थे, आईटी का नाम निशान नहीं था, आईआईटी को लोग जानते नहीं थे, इंजीनियरिंग में जितनी फैकल्टीज अब हैं उनका पता नहीं था किसी को। 40 साल में, फिर 30 साल में एजुकेशन के फील्ड में रिवोल्यूशन आ गया, बुद्धि बढ़ गई सबकी, बुद्धि बढ़ गई तो इन्फॉर्मेशंस बढ़ गई, और टू मैनी इन्फॉर्मेशंस क्रिएट कन्फ्यूजन इन ए माइंड, होता है या नहीं? कई युवक आते हैं मेरे पास, यहाँ भी बैठे होंगे, एक दो साल में 500 किताबें पढ़ ली उसने, पिछले दो साल में 500 नॉलेज के लिए, और क्या हो गया आप? कन्फ्यूज्ड माइंड। मेरे पास ऐसे दो युवकों के केस आ गए, कन्फ्यूज्ड माइंड, पढ़ाई में अब नो कंसंट्रेशन, माइंड में शांति नहीं, नींद अच्छी नहीं आएगी, चलता रहेगा, कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा तुम अब भूलो इनको, कैसे भूलोगे, सोच लो, भूलने की विधि हैं हमारे पास हैं। तो मन के विकास पर ध्यान नहीं दिया, मन की कहीं चर्चा नहीं, उसके लिए सब्जेक्ट बना दिया साइकोलॉजी, पढ़ो जाके उसको, थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, कुछ पता नहीं चलता ज़्यादा। हमें मन को पावरफुल बनाने पर भी ध्यान देना है। आपको लोग ये तो कह देंगे पॉजिटिव सोचा करो, निगेटिव नहीं सोचो, पर क्या युवक जब मेरे पास आते हैं और वो भी कहते हैं हमें पॉजिटिव सोचना है, हम बहुत निगेटिव हैं, पर हमसे होता नहीं, पॉजिटिविटी आती नहीं, मैं पूछता हूँ चार पॉजिटिव थॉट सुनाओ मुझे केवल, तो दिखाई देता है कि उनको पता ही नहीं पॉजिटिव थिंकिंग क्या, कौन से थॉट्स हैं पॉजिटिव जिसे हम निगेटिविटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो मन के विकास पर भी ध्यान देना है। अब मैं आपका ध्यान दिलाऊं एक बहुत सुंदर बात पर, और आई होप यू विल एक्सेप्ट इट, एंजॉय इट, एंड लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। मनोविज्ञान कहता है हर एक के मन में बहुत शक्तियां हैं लेकिन वो सोई हुई हैं, उन्हें जगाओ। हम भी सुनते थे, छोटी आयु से ही सुनने लगे थे, पर कैसे जगाओ ये किसी ने नहीं सिखाया। अब मैं आपको शक्तियों को जगाने की सिंपल टेक्निक सिखा देता हूँ, सीखेंगे? हैं आपके पास शक्तियाँ? हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ, बिल्कुल सिंपल। आपको घर में गरम गरम खाना, फर्स्ट क्लास खाना मिलता है रोज, मज़ा आता है, लेकिन आज आप ट्रेन में जा रहे हैं, खाना लेकर गए हैं, खाना शाम तक ठंडा हो गया है, आप मज़े से खा लेते हैं ना, कोई और कुछ वहाँ है नहीं, नो ऑप्शन। तो सहन शक्ति आपके पास है ना? आप कहीं नौकरी करते हैं, आपका बॉस आपको शाउटिंग करता है, आप मज़े से सहन कर लेते हैं, भाई नौकरी करनी है, और घर में पत्नी जरा सा उल्टा बोल दे तो, चलो पत्नी नहीं पति बोल दे तो, बोलो क्या होता है, पता है ना सबको क्या होता है। सहन शक्ति हमारे पास है, सोई हुई है, कहीं काम करती है, कहीं हम सुला देते हैं उसको, है हमारे पास। सभी देखें, आपको कहीं पेन हो गया है, आप यात्रा पर हैं या कहीं ऐसी जगह है, डॉक्टर से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आप आराम से सहन कर लेते हैं, और घर में हो जरा सा बुखार हो जाए, हाय हाय शुरू, कोई पूछता नहीं मुझे, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, तुम मेरी केयर नहीं करते, सोचते हो मैं मर जाऊं तो अच्छा रहेगा, सोचते हैं ना। तो शक्तियां हमारे अंदर हैं,
सुला देते हैं, हमने सुलाई हैं उनको, हम यूज नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को यूज न करें लंबा समय तो खराब हो जाती है। अब मैं बताता हूँ आपके पास शक्तियाँ हैं, वो कैसे आप रियलाइज करें, कैसे एक्सेप्ट करें। छोटा सा प्रश्न और छोटा सा उत्तर, टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो क्या होगा? और आप सभी किसके बच्चे हैं? आवाज़ जोर से नहीं आई। वो बाबा कौन है? ऑलमाइटी। सो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी गॉड फादर। सो हम कमजोर होंगे क्या? अगर चीते का बच्चा कुत्ता नहीं हो सकता तो ऑलमाइटी के बच्चे पावरफुल होंगे या नहीं? हैं सभी पावरफुल? हाँ, अब ताकत आई बोल में आपके। सो वी ऑल आर पावरफुल। इसके लिए एक शब्द है बहुत अच्छा, वो आप याद रखेंगे। आवर सुप्रीम फादर इज ऑलमाइटी एंड वी आर मास्टर ऑलमाइटी। क्या हैं हम? ये शब्द आप याद रखना। मैं कई इसके आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लोगों के, जिससे बहुत फायदे हो गए हैं। और इससे आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे। मैं दूसरी चीज लेकर चलता हूँ। मैं इस टॉपिक को बहुत प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं, बड़ी बड़ी फिलोसोफी नहीं, बहुत प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आपको यूज हो। आप जान लें, सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारा मन शांत होता है ना, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड इज साइलेंट। तो सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, अवेकेंड। अब ये पहले 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा है, जैसे जैसे मन चलना शुरू हो जाएगा वो सोना शुरू हो जाएगा। तो पहले 10 मिनट रोज हर मनुष्य के लिए गॉड्स ब्लेसिंग है, वरदान है। इसका सबको यूज करना सीखना है। इसलिए सवेरे उठकर मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ, अपनी रोज की डेली रूटीन की बिगिनिंग कैसे करेंगे आप। आँख खुली, देखिए जब मनुष्य आँख खोलता है तो कभी कल की बात याद आती है, कभी नींद या ड्रीम्स का इफेक्ट रहता है दिमाग पर, कभी कोई कल टेंशन थी उसका इफेक्ट है दिमाग पर, उस सब को रिलीज करना है आपको। इसलिए सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करके सोना या कुछ अच्छी स्टडी करके सोना, मनुष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो रात को सोने से पहले दिमाग से सारे बोझ उतार कर सोए। उतारेंगे या लिए हुए सोएंगे? बोलो, उतार के सोना अच्छा है ना, ताकि आज का बोझ कल, कल का बोझ परसों, ये मल्टीप्लाई न होता चले। यही हो रहा है लोगों के साथ। पिछले 10 दिनों की आप, 10 मास की आप चेकिंग करें अपनी, तो कितने बोझ मन पर रख लिए हैं, वो इधर एक्यूमुलेट हो गए हैं, दबाव है उनका, उतार कर सोया करें। कैसे उतारेंगे? टीवी देखकर सोएंगे नहीं, कंप्यूटर पे अपना काम करते हुए जो आज ऑफिस का बाकी रह गया है उसको कंप्लीट करके सोएंगे, वो भी गलत। नए थॉट्स, नई एनर्जी के साथ आपको विश्राम करना है। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता देता हूँ और आप करेंगे आज से। गॉड इज माई फादर एंड ही इज ऑल्सो माई गुड फ्रेंड। आज एक नया नाता उससे आप जोड़ो, जुड़ जाओ। यहाँ से आप जाएं, लोग पूछेंगे कहाँ गए थे और क्या लाए हैं,
तो आपके पास ये सुंदर एक्सपीरियंस, सुंदर आंसर होना चाहिए, सुप्रीम से जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ के ही जाना पूरी तरह। तो हिज माई सुप्रीम फादर एज वेल एज माई गॉड फ्रेंड, खुदा दोस्त है वो मेरा। बोलो स्वीकार है ये नाता? सोचो जरा सोचो, भगवान फ्रेंड बन जाए क्या चाहिए? बन सकता है या ये केवल इमेजिनेशन है? बोलो, अगर वो अर्जुन का बन सकता है फ्रेंड, अगर वो पांडवों का गाइड बन सकता है, तो हमारा भी एक्सेप्ट करें हैं, वो ही बन सकता। आपने ठीक कहा कि आजकल सच्चा फ्रेंड कोई बन ही नहीं सकता, केवल वही बन सकता है। तो मेक हिम योर गुड फ्रेंड। और रात को सोने से पहले एक छोटा सा पत्र, 5-7 लाइन का, अपने गुड फ्रेंड को लिख दिया करो। जो भी बात आपको भारी कर रही हो, लिखो उसके नाम, आज ये बात इसने मुझे डिस्टर्ब किया है, आज इस बात ने मुझे टेंशन दे दी है, आज इस बात का प्रेशर मेरे दिमाग पर है, ले लो इसे, लिख दो ये और देखो रिजल्ट। जब आप सवेरे उठेंगे तो यू विल फील योर सेल्फ वेरी लाइट। ये सबको करना है। और मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि आप थके हैं, जल्दी में हैं, आपको नींद गहरी आ रही है, आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये सबके साथ होगा, तो आप बैठकर मेडिटेशन में उसको 2 मिनट में सब सुना दो और उसको कहो खुदा दोस्त, ले जाओ सब, ये बोझ तुम्हारे अर्पित, आई सरेंडर माई प्रेशर, माई बर्डन, माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, माई प्रॉब्लम्स टू यू, प्लीज टेक इट, मेक मी फ्री फ्रॉम दिस। पॉसिबल? 2 विधि लिख दो। लिखना बहुत अच्छा रहता है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। जब हम लिख देते हैं तो मन वैसे ही हल्का हो जाता है। कोई भी समस्या हो, कैसी भी बात भारी कर रही हो, बोलो करेंगे ये काम? हल्का यस आया है। मैंने कहा मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, आज करना है। यहां से आप जाएंगे तो लाइफ स्टाइल एब्सोल्युटली चेंज, यही तो फायदा होगा आपका 3-4 दिन यहां देने का। यात्राओं पे तो लोग जहां जाते हैं, आप भी जाते हैं, लेकिन यहाँ की यात्रा आपके लिए ऐसी कल्याणकारी होगी। तो रात को हल्के होकर सोएंगे, सवेरे उठे, उठते ही पहला संकल्प करना, ओ माई गुड फ्रेंड शिव बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाएंगे आप उठते ही। और ये जुड़ना कोई सिंपल जुड़ाव नहीं है। यू विल अट्रैक्ट दृष्टि, यू विल अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड द सुप्रीम द ऑलमाइटी। बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सवेरे ही अपने को उससे जोड़ दो, गुड मॉर्निंग करो, सबसे अच्छा तो वही है ना हमारे लिए। देखो दुनिया के संबंधों में तो कहीं कष्ट भी है, कहीं कड़वाहट है, कहीं ईगो है, कहीं एंगर है, इस संबंध में स्वीटनेस है, बहुत अपनापन है। तो मैं आपको एक थॉट दे रहा हूं और अभी सब इसको फीलिंग में लाएंगे। ही इज माई फादर, ही इज माई फ्रेंड, इसका अर्थ हो गया, सुने ध्यान से और ले आए अंदर अपने, वो मेरा परम पिता है, अर्थात वो मेरा है। फील इट, एक्सेप्ट इट। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सभी। सोचे मेरे साथ साथ, जो भगवान है, जो ऑलमाइटी है, जो ओशन ऑफ पीस है, जो प्यार का सागर है,
वो मेरा है। वो मेरा गुड फ्रेंड है, खुदा दोस्त है, वो मेरे लिए है। बहुत सुंदर थॉट है, भर दें इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में। वो मेरे लिए है, ऑल द टाइम ही इज रेडी टू हेल्प मी। उसका सब कुछ मेरा है। उसका सब कुछ मेरा है। थैंक यू। ये विचार हैं सुंदर, उसके हम बहुत समीप आ जाएंगे। सवेरे उठते उसको गुड मॉर्निंग की, क्योंकि वो मेरा है। और फिर आप एक सुंदर फीलिंग के साथ संकल्प करना, हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चे मन से, मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं। देखो, मैंने इस शब्द का प्रयोग उन लोगों पर भी कराया है जो बहुत बीमार रहते हैं और जिनके मन में सदा कंप्लेंट रहती है भगवान के लिए, ये बीमारी वो बीमारी, तू मुझे मदद नहीं करता, तू मुझे ठीक नहीं करता, मेरा भाग्य कैसा है, हमेशा निगेटिव हैं। मैंने उन्हें सिखाया सवेरे उसे गुड मॉर्निंग करके ये कहना, आपने मुझे हेल्दी बॉडी दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, खुले मन से। 3 मास में लोग पूरी तरह ठीक हो गए। ये अफर्मेशन बहुत जबरदस्त है, इसका प्रयोग करेंगे। और एक दो चीज बता देता हूं, फिर शक्तियों को जगाने पर हम चलते हैं। नेक्स्ट थॉट करना बहुत सुंदर, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। खुले मन से करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट सोल इन द वर्ल्ड। सोया हुआ भाग्य जग जाएगा, करके देखना। मैंने गरीबों से कराया है, क्या कराया, उठते बैठते खाते पीते एक ही विचार था, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। मैंने कहा यही तो गड़बड़ हो रही है, संकल्प करो मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। यू मे नॉट बिलीव, 3 मंथ में ही उनके धन के द्वार खुल गए, गरीबी हटने लगी। हमारे विचार ही रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर एवरीथिंग व्हाट वी अचीव इन आवर लाइफ। सो विचारों को ठीक करो सवेरे का, 10 मिनट, अगेन रिमेंबर इट, 10 मिनट सवेरे के। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा है जो बहुत पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है? हमारी सारी शक्तियों का 90% सबकॉन्शियस माइंड में है, देयरफॉर सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल। जो विचार सवेरे हम करेंगे वही मिल जाएगा। अब सोई हुई शक्तियों को जगाना है। कोई सो तो नहीं गए यहाँ, जगे हुए ना, नहीं तो शक्तियाँ कहेंगी तुम ही सोए हो तो मैं कैसे जगूं? जगे हैं सब, ये तो मैंने ऐसे ही कहा। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 7 बार ये संकल्प कर दो, शक्तियां जग जाएंगी। शक्तियों को जगा कर फिर आप वो संकल्प कर दें जो आप जीवन में चाहते हैं। मैंने कहां कहां प्रयोग कराए तो बहुत जगह,
दो चार जो मुझे याद आए मैं सुना देता हूँ। किसी को जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, सफलता मनुष्य को रोज चाहिए, कई बार चाहिए। हमने उनको ये अभ्यास कराए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ एंड सक्सेस इज माई बर्थ राइट, सब टाइम करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विद गुड फीलिंग। ये सच्ची बात है, हजारों एक्सपेरिमेंट, सफलता के द्वार खुल गए, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बीमार वालों पर भी कराए, पहले अपनी शक्तियों को जगाना है। मैंने 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत को सिखाया और उन्होंने किया, आप भी आपके बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट कराएं। जहां वो सोते हैं सामने की दीवार पर एक कागज चिपका के उस पर लिख दो जो वो चाहते हैं, मेरे इतने मार्क्स आएंगे, हैं बच्चे बैठे हैं ना ध्यान से सुनेंगे, मैं बुद्धिमान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे इतने मार्क्स आएंगे, उठते ही दृष्टि जाए 97 लिखा है, आएंगे उतने ही आए। बहुत बड़ी टेक्निक है। इंटरव्यू देने वालों को मैंने ये कराए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, रोज उठते ही 7 बार करो एंड बी कॉन्फिडेंट, आई एम सेलेक्टेड, ये थॉट, सिलेक्शन हुआ फटाफट। तो जीवन के हर फील्ड में जहाँ भी सफलता चाहिए सफलता मिलेगी। डॉक्टर से कराए मैंने, जिनके केस बिगड़ रहे थे सर्जन्स के, जिनके कोर्ट केस चल रहे थे उनसे कराया, जिनके बिजनेस ठप हो गए थे, कई ज्वेलर्स का हुआ कि उनकी दुकान पे ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी चलती थी, अभी ग्राहक नहीं आता है, सारे दिन में एक भी नहीं आता है, पता नहीं क्या हो गया। हमने उनको सिखाया सवेरे उठ कर ये करो, दुकान खोलो तब ये करो, 2-3 दिन में खेल बदल गया। तो बहुत बड़ी पावर है सवेरे के हमारे इन संकल्पों में, आप इनका रोज प्रयोग कर लेना, शक्तियां जग जाएंगी, काम करने लगेंगी। पसंद है, क्लियर है, सिखाएंगे आप अपने बच्चों को भी साथियों को भी, बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि संसार में समस्याएं बढ़ रही हैं। समस्या बात आई तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, जहाँ से मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। 40 साल पहले मैंने ईश्वरीय महावाक्यों में सुना प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत सुंदर डेफिनेशन थी, प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। मेरे अंदर चली गई ये बात, मैंने सोचा इफ ए वीक माइंड कैन क्रिएट द प्रॉब्लम्स तो ए पावरफुल माइंड विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय देम। तो इसके एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, तब मैं छोटा था और मैंने शुरू किए, सफलता मिलने लगी थोड़ी 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 थोड़ी, फिर आगे बढ़ी तो बहुत अच्छे अनुभव आ गए। आप सभी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं इसके पीछे जो सीक्रेसी है वो आपके सामने रख देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपना सब कुछ चेंज करेंगे अब से। हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है, नोट डाउन प्लीज, छोटी बात नहीं बताई जा रही है। हमारा हर थॉट एनर्जी जनरेट करता है, ध्यान देंगे आगे। इससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, कुछ लोग इस चीज से बहुत सफर करते हैं, उनमें से छोटी कन्याएं ज्यादा सफर कर रही हैं, माइंड को बहुत सेंसिटिव बना लिया है, हर बात फील होती है,
इल फीलिंग बहुत रहती है, जल्दी मूड ऑफ हो जाता है। आपको याद रखना है, यदि आपको क्रोध आ गया है, यदि आप निगेटिव हो गए हैं, यदि आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो क्या नुकसान होगा? इस सारे यूनिवर्स में जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर एंटर करने लगी, आप उसे अट्रैक्ट करने लगे, आपका कोई लेना देना नहीं उससे, पर वो आने लगी फटाफट, कितना नुकसान हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स में रहते हैं, अगर आप बहुत खुश हैं, अगर आप बहुत इजी लाइफ जी रहे हैं, तो सारे कॉस्मोस की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने लगती है। इस बात पे ध्यान देना है सभी को। यही कारण है कि आजकल जो मोबाइल आदि का बहुत यूज हो रहा है, माताएं अपने छोटे बच्चों को दे देती हैं खिलौना, हमें काम करने दो, तुम इससे खेलो, है अच्छा खिलौना है ना बच्चों के लिए, और माताएं खुश होती हैं, बड़ा अच्छा हो गया, साइंटिस्ट ने ये जो मोबाइल निकाला ये सबसे अच्छा है। परंतु पता क्या हो रहा है इससे? आप सभी हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हैं, ब्रेन श्रिंक होता है इससे, और बच्चों का ब्रेन जो बहुत नाजुक है, अगर बच्चा हाथ में ऐसे लिए या सारा दिन आंखों के आगे किए हुए कार्टून देख रहा, गेम खेल रहा है, तो उसका ब्रेन श्रिंक हो रहा है। जो बच्चे यहाँ बैठे वो भी ध्यान देंगे, बहुत बड़ा लॉस आने वाली पीढ़ी को हम दे रहे हैं। हमने क्रिएट कर दिया, देखो विज्ञान के वरदान को मनुष्य ने श्राप बना दिया है, कैंसर बढ़ रहे हैं इससे, इसलिए विशेष करके बच्चों से दूर रखना है इस खिलौने को, और खुद भी बहुत यूज नहीं करना। जो आईटी पर्संस हैं वो तो कंप्यूटर के पास बहुत बैठते ही हैं, और आप जानते हैं इससे क्या और नुकसान होते हैं, लेकिन अपने को बहुत एनर्जेटिक रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी विधि बीच में और बता देता हूँ। पानी को आपको चार्ज करके ही पीना है, शायद बालाकिशोर भाई ने आपको बताई हो ये बात, बताई है क्या? क्योंकि उन्होंने ही मुझे कई साल पहले जापान के साइंटिस्ट की ये रिसर्च दिखाई थी क्लिप कंप्यूटर में, तो उन्होंने कैसे पानी पर बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैंने 5 ही मिनट देखा था और मेरी समझ में वो सारे सीक्रेट्स आ गए थे। मैं वो भी सुना देता हूँ उस पॉइंट पर जाने से पहले। तो मैंने देखा उसमें जापान के वैज्ञानिकों ने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक उसमें से ये था, 2 गिलास में पानी लिया, सेम वाटर, एक पर लिख दिया नफरत, दूसरे पर लव। दोनों गिलास पानी एक ही रूम में सेम टेम्परेचर में 12 घंटे के लिए रख दिए, और जब दोनों के पानी को सवेरे चेक किया तो क्या पाया? जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे, और जिस पे हेट लिखा था उसमें ब्लैक क्रिस्टल आ गए थे। बस मैंने भी उनको कहा कि बस जो मुझे लेना था मिल गया। अब मैंने सोचा, मैंने बंद करा दिया भाई, मैंने सोचा आप में से कई भाई बहने जानते होंगे, मनुष्य के शरीर में मोर देन 70% वाटर है, जानते हैं ना, जान लेना चाहिए सबको। देखो ये संसार की रचना कितनी वंडरफुल है, इस धरती पर 70% सागर, शरीर में 70% पानी, और भी ऊपर भी जल कण है ना, पूरे पूरे एनवायरनमेंट में जल कण है, वो भी 70%। तो मैंने सोचा कागज पे नफरत लिखा था, नफरत गिर पानी कर नहीं रहा था, तो भी ब्लैक क्रिस्टल पैदा हो गए। जिस मनुष्य के मन में नफरत बसती हो उसके अंदर के पानी का क्या हाल हो रहा होगा?
डर्टी हो गया होगा ना, बैड स्मेल हो गई होगी उसमें, हो गई होगी या नहीं। तो मेरी समझ में आ गया कि यही कारण है अनेक बीमारियों का। अगर हम मन को प्योरीफाई कर लें, हैप्पी बना दें, पीसफुल कर दें, पॉजिटिव कर दें, तो हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ये बात मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में एक डेढ़ घंटे के लेक्चर में जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए वो सब, पिछले ही साल 3000 डॉक्टर थे हमारे पास सितंबर में, अभी फिर आएंगे, उनके सामने रखे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए, और मैं सबसे पूछा आर यू एग्री टू इट, क्योंकि आप सब कहेंगे तो मैं इनको आगे बढ़ाता हूँ। तो सब ने हाथ उठाई, बिल्कुल सच्ची बात है, लॉजिकल है ना, साइंटिफिकल है। 70% पानी है मन में, कभी जेलसी है, कभी रिवेंजफुल फीलिंग है, कभी मनुष्य टेंशन में है, कभी प्रेशर में जी रहा है, तो ये सारा पानी डर्टी हो गया, ये बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर के साथ काम करते हुए आप 3-4-5 बार पानी को चार्ज करके पीना, बैड इफेक्ट जो रेडिएशन का होता है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा रोज का रोज, और आप ब्रेन वाइज बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रांग रहेंगे। विधि है, गिलास में पानी लेना, उस पर नज़र डालना, देखो ये पानी है, इस पर नज़र डाली, 7 बार मन में संकल्प किया, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो आँखों से माइट के वाइब्रेशंस पानी में समा गए, और पानी बहुत पावरफुल हो गया, चार्ज वाटर हो गया। इसको आप पिएंगे, कोई भी बैड इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो काम करते हुए पानी तो पीना ही है, चाय पे भी कर सकते हैं, पर चाय तो ज़्यादा पीनी नहीं चाहिए। आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर रहेगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। बुखार, मैंने बुखारों पे किया शुरू में, जब ये मुझे पता चला ऐसे ऐसे बुखार जो ठीक ही नहीं हो रहे थे, इंजेक्शन दिया तो 1 घंटे के लिए ठीक हो गया, फिर आ गया, मैंने चार्ज करके पानी पीने को कहा, 1 ही दिन में ठीक हो गया। मेरे पास सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस, हमारे आबू में ही हमारा ही हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल, आप देखेंगे या देख ही लिया होगा, वहाँ की एक स्टाफ बहन को 8 मास से बुखार चल रहा था, 2 साल पहले की बात है, 8 मास हो गए थे, फाइल भी इतनी मोटी बन गई थी, चेक जो कराए थे। मैं भी डॉक्टर के पास गया था तो वो बहन बड़ी फाइल लेकर आई, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, टेबल पर पटक दी कि बताओ अब और क्या चेकअप कराऊं, बॉम्बे करा लिया, अहमदाबाद करा लिया, हमारे यहीं पालनपुर है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ है, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी देखा, भाई और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, क्या कराएं। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मैं ठीक कर दूं इनको। डॉक्टर मेरी ओर देखने लगा, आप कैसे ठीक करोगे। मैंने कहा आप कहो तो मैं इनको कुछ सिखा देता हूँ। मैंने उसको सिखाया, तुम परेशान न हो, चार्ज करके पानी पियो रोज 5 बार, 3 दिन में सदा के लिए ठीक, बुखार लौटा ही नहीं। एक एक्सपीरियंस और शेयर करने को मेरा मन कर रहा है, मैंने उसको कहा, परसों उसका फोन आया मुझे, मैंने कहा ये तो भाई आप आओ हमारे पास टीवी के लिए, हम आपका एक एपिसोड रिकॉर्ड करा देते हैं, सारा संसार इस बात को सीख ले। ये हाई कोर्ट के वकील हैं बॉम्बे के, 2 साल पहले इसके भाई की मृत्यु हुई थी, तो उसकी किडनी इसको लगा दी थी, इसकी किडनी वीक हो रही थी, उसमें हो गया इन्फेक्शन, किडनी ये जो प्लांटेशन है ये बहुत सफल नहीं हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया, मृत्यु की ओर बढ़ने लगा ये वकील। तो मुझे फ़ोन किया, मैं कहीं बाहर था, सवेरे का टाइम था, मैं फ्री था, मैंने इससे बात की, मैं उसे जानता था, तो मैंने उसे कुछ विधियां सिखाई।
कॉन्फिडेंट कर दिया उसको कि आप ठीक हो जाओगे, खुशी के थॉट क्रिएट करो अपने मन में, 2-3 मास में वो ठीक होके अपने प्रैक्टिस में आ गया। तो अभी मुझे परसों बता रहा था कि अभी 15 दिन पहले यूरिन में प्रोटीन जाने लगा, प्रोटीन ही कहा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहा डॉक्टर्स ने इलाज किया, इधर उधर कई जगह कराया, नो इफेक्ट। आखिर डॉक्टरों ने बता दिया कि इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेद में, ना एलोपैथी में, ना और किसी पैथी में। तो फिर उसने मेरे से बात की, मैंने उसको दो ही चीज़ सिखाई, एक तो कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगे, कि एक तो किडनी को एनर्जी देना है यहाँ, और पानी चार्ज करके पीना। तो उसका फोन था परसों, कहा मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, नहीं तो इसमें भी मृत्यु ही थी, 2-3 मास में मृत्यु, मैं पूरा ठीक हो गया। तब मैंने उसे कहा, उसने और भी मुझे अच्छी बात सिखाई, मैं तो क्लासेस लेता हूँ तो जहाँ तहाँ ये कुछ बातें सिखाता रहता हूँ, मैं एक चीज़ सिखाता हूँ लोगों को, मान लो आपको घुटने में दर्द है, किसी को है यहाँ, हाथ उठाओ अगर किसी को घुटने में दर्द, अच्छा छोटों को भी हो गया है, तो बूढ़ों को होता है, अच्छा हाँ एक्सीडेंट आदि से भी हो जाता है। तो मैं एनर्जी देना सिखाता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, किसी को घुटने दर्द है, लेकिन किसी को सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, किडनी में गड़बड़ हो रही हो, लीवर में, हार्ट में, ये जो एनर्जी देना है ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत रिलीफ देती है। ऐसे ऐसे लोगों को भी ठीक हुए जिनके हार्ट में छेद थे, होल इन द हार्ट, और ऐसे केस थे कि डॉक्टरों ने कहा भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, एनर्जी दी ठीक हो गए, कोई 40 दिन में, कोई 21 दिन में, कोई 25 दिन में। एनर्जी देने की विधि आप सीख लें, करें आप, दोनों हाथ मलेंगे और अंदर में 3 बार संकल्प करो, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। अब आपको ये एनर्जी फील करनी है, आपके हाथों से वाइब्रेट आउट हो रही है, ऐसे थोड़ा छोड़ दीजिए नजदीक नजदीक थोड़ा, एंड यू कैन फील वाइब्रेशंस इन योर पाम, ठीक है। अब इसको जहां पर रख दोगे वहीं ये जाने लगेगा, यहां रख दो, आंखें बंद कर लो, 1 मिनट आप रखेंगे तो ये सारी एनर्जी आपके ब्रेन को जाएगी, फिर दोबारा करेंगे मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, फिर रख दो, 10 मिनट दे दो, घुटनों को देना, जिनको घुटने दर्द हैं चाहे एक्सीडेंट से भी हुए हैं ना, आप घुटनों को एनर्जी देना 10 मिनट रोज, 2 बार भी दे सकते हैं, निश्चित रूप से आपके ठीक होंगे। आँखों को दे सकते हैं, मेरी भी आँखों में तकलीफ हुई थी, मैं देता हूँ तो ठीक रहता है, हार्ट को दे सकते हैं, किडनी, लीवर। तो मैं एक चीज़ और सिखाई, आप भी सीख लेंगे, मैंने कहा अपने घुटनों से बात करना, इस वकील को मैंने कहा अपनी किडनियों से बात करना, यू आर माई गुड फ्रेंड, अरे तुमने मुझे जीवन भर साथ दिया है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ना होते तो मैं ना होता, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, गिव लवफुल फीलिंग टू योर नी, और दर्द भाग गए। हम क्या करते हैं, हाय मेरे घुटने में दर्द, मैंने क्या किया पाप, पता नहीं क्यों हो गया, ठीक ही नहीं होता, अपने कोई कर्ज करते रहते, ठीक ही नहीं होता, पता नहीं जीवन भर ऐसे ही चलेगा, अब तो ये निगेटिविटी तो गड़बड़ कर रही है। प्यार दो, अगर आपका बच्चा छोटा घर में रो रहा है, माताएं उसको प्यार की थपथपी दे के सुला देती हैं या नहीं, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बच्चे को प्यार की थपथपी दी, हाथों से प्यार के वाइब्रेशंस मिले, सो गया। तो ये घुटने, ये किडनी, ये ब्रेन, ये हार्ट, ये सब भी हमसे प्यार चाहते हैं। आप देखो, आप अपने घुटनों को एक विजन बनाना, बहुत गुड थेरेपी है, विजन बनाना, घुटने मेरे, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, आई लव यू, तो घुटने मुस्कराएंगे या नहीं, किसी मनुष्य को आप ऐसे कहो वो मुस्कराएगा या नहीं,
तो घुटने भी मुस्कराएंगे, और जिस दिन घुटनों ने मुस्कराना शुरू कर दिया घुटने ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये भी लोगों ने एक थेरेपी आजकल निकाल दी है, कहीं मुझे याद नहीं कौन से देश में शुरू हुई, कि अपने हर अंग को मुस्कुराते हुए देखो। लेकिन विधि उन्होंने नहीं बताई, विधि ये है, आपको कुछ भी हो रहा हो एनर्जी देंगे, पानी चार्ज करके पिएंगे और इस तरह के थॉट्स करेंगे, बहुत फायदा होगा। फिर से आ जाएं, जो एक सुंदर बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कहना ही नहीं चाहता, आज से यू हैव टू ब्रिंग ए ब्यूटीफुल चेंज इनटू योर थॉट्स। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, फिर से वहीं आ जाएं हम, हमारा हर संकल्प एनर्जी पैदा कर रहा है। अब देखिए, आत्मा यहाँ बैठकर सोच रही है, आप निगेटिव सोच रहे हैं तो कैसी एनर्जी पैदा हो रही है? निगेटिव। वो सबसे पहले जा रही है ब्रेन को, और ब्रेन में न जाने क्या क्या डैमेज कर रही है, कोई नहीं जान सकता। अगर आप पॉजिटिव थॉट कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो ब्रेन को जा रहे हो, बाहर फैल रही है, ब्रेन एफिशिएंट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वो पूरे शरीर में फैलती है। पहले वो हमारे शरीर के अंदर फैलने लगती है। तो बहुत अच्छे संकल्प करेंगे, मैं एक संकल्प सबको सिखा रहा हूँ, आप भी सीख लेंगे। आज वकील साहब बैठे हैं, हाई कोर्ट के हैं, वो भी यूपी के, बता रहे थे मुझे रात, तो मुझे याद आया कि मैं आप सबको वो बात सामने रख दूं। बहुत अच्छी तरह विद फुल कॉन्फिडेंस सवेरे दिन में कभी भी संकल्प किया करें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भूलना नहीं, लिख लो। सवेरे उठ के करेंगे तो आदत भी पड़ जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव भी कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और भी कुछ ऐसे विचार जो आप अपने जीवन के लिए जरूरी समझते हैं वो भी कर लिया करें। थॉट्स में क्रिएटिव एनर्जी है। मैं कुछ थॉट्स बता रहा हूं आपको, मुझे हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, पति पत्नी हैं, हम दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, स्वीट सॉफ्ट, मेरे बच्चे बहुत अच्छे चरित्रवान हैं। देखिए आप इन संकल्पों के इफेक्ट देखना। कोई व्यक्ति आपसे ऑफिस में गड़बड़ करता है, आपसे बुरा व्यवहार करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, आप 7 दिन करके देख लो, सवेरे उठकर उसे कहना ही इज ए गुड सोल, ही इज माई गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरा गुड फ्रेंड है, आई लव यू, और देखना 2-3 दिन में क्या होता है। बहुत सुंदर ये टेक्निक है बदलने की अपने को। तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एक बार मुख से बोल दो, मेरे सब कुछ। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान। आपको इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो भी बता देता हूं, ताकि आप ये ना सोच ले ये काल्पनिक चीजें, इनसे क्या होगा, ऐसे तो सभी भाग्यवान ना हो जाएं, सभी धनवान न बन जाएं, गड़बड़ कहां होती है। अच्छे संकल्प करने के साथ साथ थोड़ा बहुत निगेटिव भी, थोड़ा बहुत डाउटफुल भी,
एनर्जी तो दे रहे हैं ब्रेन को, घुटनों को, लेकिन सोच रहे हैं डॉक्टरों से ही कुछ नहीं हुआ, भला हाथ रखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर खाली हाथ जाएंगे। भावना और कॉन्फिडेंस में पावर है, वो रिसीव कर लेती हैं सब कुछ। और बिना भावना के आप रसगुल्ला खाओ ना, बहुत मीठा, वो फीका लगेगा, नुकसान कर देगा। इसलिए विश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। तो निगेटिव नहीं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थोड़ा बुरा हुआ है पास में, ये नहीं सोचना, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, पता नहीं अब भी होगा या नहीं होगा, चलो करके देख लेती हूँ फिर भी, ये नहीं। वन थॉट ओनली। तो अब हम साइलेंस में बैठकर दो मिनट ये थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरेंगे। लाइट वाला हो तो रेड कर दो भाई, बैठा है लाइट वाला, उसको भी अच्छा लग रहा होगा। चलो, भले ही आंखें बंद कर लें आप दो मिनट के लिए। अब मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे, मैं भगवान की संतान हूं, बहुत भाग्यवान हूं। उसकी बहुत सारी शक्तियां मुझ में भी हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। स्वयं भगवान मेरा परम पिता है, मेरा गुड फ्रेंड है। ओम शांति। तो सभी ताली किस लिए बजाई? समाप्ति के लिए। मैं सोचा कभी सोच रही हूँ बंद कर दो, बहुत हो गया। नहीं ना, ऐसे भी ताली बजाते हैं ना लोग। अब ज्यादा नहीं, थोड़ा ही है बस, क्योंकि चलो एक हंसी की बात भी सुन लो। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में गया, 92 में गया था, तो रोज़ एक पब्लिक प्रोग्राम भी वो रखते थे और मुझे रोज़ कहते थे 45 मिनट लेक्चर, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप 45 मिनट लेक्चर क्यों बोलते हो, मैं एक घंटा करूँगा ना। कहा नहीं, हमारे यहाँ पूरी तरह से मान्यता है कि 45 मिनट ही ब्रेन कुछ ग्रहण करेगा, उसके बाद सब ऊपर से जाएगा। मैंने कहा तब तो भाई हमारे भारत वालों का ब्रेन बहुत पावरफुल है। आप भी सारा दिन सुन रहे हैं, ठीक है कुछ तो बाहर भी जाता होगा, लेकिन मैंने कहा रात साढ़े रात बैठकर लोग भागवत कथा सुनते रहते हैं, सो भी लेते हैं वहीं फिर सुन लेते हैं। कितना अच्छा है, सचमुच हमारा देश बहुत महान है। ये तो अब बिगड़ा था खेल, थोड़ा सा पीछे। सबसे पावरफुल, सबसे धनवान, विश्व गुरु, लाइट हाउस, शांति का स्थान, ये हमारा देश ही है, अब भी है। मैं तो बाहर जाता रहा हूँ, जब प्लेन भारत की सीमा के ऊपर आता था ना,
तो वाइब्रेशंस बदल जाते थे, ये सच्ची बात है। तो अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं एक बात देख दो बात भारत की सुना देता हूँ। ये भारत देश देवभूमि रहा है ना, सत्ययुग और त्रेता में हम सभी देवी देवता थे, अथाह धन संपदा थी यहाँ। इतिहास अगर आप पढ़ें तो गुप्त काल जो चौथी सदी में था, तीसरी और चौथी सदी में ईसा मसीह के 400 साल बाद, तब भी कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया था, स्वर्ण काल था वो भारत के इतिहास का। इसलिए विदेशी लोग आक्रमण करते थे, वो गरीब थे पूरे, धनमाल लूट कर ले जाते थे भारत से। हमारा देश फिर भी संपन्न रहा। अभी शाहजहां के काल तक, मुगल काल तक भारत के पास उतनी संपदा होती थी। एक बार अखबार में डेटा जाए थे, डाटा सब आए, मैंने पढ़ा कि सारे संसार की संपत्ति का पांचवा हिस्सा भारत में होता था। कितना धनवान था। अब भी तो भारत काफी आगे आ गया ना, कौन सा नंबर आ गया, नौवा सातवा हैं, छठा आ गया, अब जल्दी बढ़ के पहले पे आ जाएगा, चिंता ना करो। दो बातें सुना देता हूँ भारत के गौरव की जो सचमुच सच्ची बातें हैं। एक बार हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में उधर पांडव भवन चाइना के एम्बेसडर आए थे, बात बहुत पुरानी है, शायद 45 साल हो गए हों, तो भाषण करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। अब चाइना में सब जगह मान्यता है या किसी एरिया में है वो तो वो जाने। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक मान्यता है, अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसका अगला जन्म भारत में होगा। है ना सुंदर बात। हम भी बहुत खुश हो गए थे सुन के कि हमें तो पता ही नहीं हम इतने अच्छे हैं। आप सब बहुत अच्छे हो। ऐसे ही एक दूसरा अनुभव सुना दूं। दो तीन साल पहले ही हमारे यहाँ रशिया में बहुत सेंटर हैं, तो रशिया की 21 बहनों ने अपने लाइफ को डेडिकेट किया था इस कार्य के लिए। वहाँ की जो रेजिडेंट्स है ना, उनमें से 9 यहाँ आई थी, यहीं थे। एक को कहा अनुभव सुनाओ, तो उसने पहली लाइन सुनाई, मैं भगवान की खोज में भारत में 4 बार आई। मैं आगे बैठा था, मैंने पूछा अमेरिका क्यों नहीं गई। वो सोचने लगी, उसने भी सोचा कि अगर किसी को भगवान की खोज हो वो केवल भारत में आता है, उसका ख्याल और किसी देश में जाने का होगा ही नहीं। किसी को सत्य ज्ञान चाहता हो वो भारत में आता है, किसी को शांति की तलाश हो वो भारत में आता है। हम ऐसी भूमि के वासी हैं, अपने लिए ताली बजा लो। तो आज से बस मैं 2-4 काम की बात सुना देता हूं। कुछ भी बुरी बात को दिमाग में होल्ड नहीं करो, होल्डिंग नेचर यहीं छोड़ के जाना। समझ गए ना होल्डिंग नेचर, उसने मुझे ये कहा था वो रख दिया इधर। अब उस संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है, वो बैड एनर्जी वो क्या कर रही होगी हमारे जीवन के लिए। उदास रहता है मनुष्य, फ्रस्ट्रेट रहता है, निराश रहता है। होल्डिंग नेचर नहीं, जो अब तक हुआ खत्म, हवा में फेंक दो। ऐसा अपने को बोल्ड बनाओ, विशाल दिल, बोल्ड, नैरो माइंडेडनेस नहीं, ब्रॉडनेस। कुछ भी होगा, नथिंग, इट्स नथिंग। ऐसा संकल्प करो हमेशा। होल्डिंग नेचर जिसके पास भी हो वो यहीं छोड़ कर जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं बहुतों से ये अभ्यास करा चुका हूँ होल्डिंग नेचर के भी, और जिनको सोचने की बहुत ज़्यादा आदत है, जो बहुत निगेटिव सोचते हैं, तो सवेरे उठकर 108 बार 108 टाइम लिख दें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ।
लिखेंगे, लिखने से ब्रेन को एनर्जी जाएगी, 15 मिनट लगेंगे और सब कुछ ठीक होने लगता है कुछ ही दिनों में। ये बहुत अच्छी टेक्निक साइकेट्रिक डिजीज के लिए है। मैंने डिप्रेशन वालों से बहुत कराई और जिनको ये ब्रेन की बीमारियां लग जाती हैं उनसे भी कराया, बहुत गुड रिजल्ट हैं। तो होल्डिंग नेचर नहीं। दूसरी बात, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? बड़ी बात को छोटा करके जल्दी फुल स्टॉप, खत्म, नथिंग। ये तो जीवन में आता है जाता है, पूरा हो गया। पास्ट के इफेक्ट में नहीं जीना है, पूरा हो गया। रोज अपने को फ्रेश करो। देखो हमारे यहाँ कितनी सुंदर बात है, सवेरे उठ के मेडिटेशन करेंगे, फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनने आएंगे, आप लोग यहाँ क्लासेज में आते हैं, वो सुन के सब वो वॉश ऑफ होता जाता है, सब डिलीट, बेकार की चीज़ें सब खत्म। तो रोज नई एनर्जी ब्रेन को मिलती है, ये आपको ध्यान देना है। तो बड़ी बातों को छोटा करके समाप्त। अब लास्ट में 2 मिनट की कहानी सुना देता हूँ, आपको काम आएंगी, आप खुश भी हो जाएंगे और बहुत खुश होकर यहाँ से उठेंगे। और ये भूलना नहीं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। नो निगेटिविटी, क्या होगा, कैसे होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, चिंताएं, परेशानियाँ, एक बाण से सब काट दो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक लड़की की शादी हुई, कहानी सुनो। लड़की बहुत तेज थी, जरा हाई फाई आज की भाषा में। उसने देखा सास भी बड़ी हाई फाई है, अब दोनों का जीना एक साथ। अपने अंकिल के पास पहुंची कुछ दिनों के पास, कहा अंकिल जहर चाहिए पुड़िया, क्या करोगी? सास बहुत तेज है, उसको खिला के खत्म करना है। अंकिल ने कहा तुम जहर खिलाओगी वो मरेगी, तुम भी मरोगी, ये नहीं, मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूं, थोड़ा थोड़ा डालना रोज भोजन में, 3 मास 6 मास में मरेगी, किसी को शक नहीं होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ये जहर काम तब करेगा, तुम्हें रोज उसको अप्रिशिएट करना होगा। कई बार कहा मैं खूब अप्रिशिएट करूंगी, मरनी चाहिए। बिल्कुल मरेगी। ले गई जहर की पुड़िया से, वो जहर थोड़ा थोड़ा सब्जी में डाला। पहले दिन से महिमा शुरू कर दी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, माँ से भी ज़्यादा प्यार देती है, मैं तो ऐसे घर में आ गई, सदा के लिए सुखी हो गई, ऐसी सास तो सबको मिले, महिमा के पुल बांध रही है। 2-3 दिन सास ने देखा बहू तो बदल आई घर जाके, उसने भी महिमा शुरू की, मेरी बहू तो देवी है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आ गई, जब से ये आई है आनंद ही आनंद छा गया, दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं, अब 3 मास हो गए। लड़की ने सोचा सास तो बहुत अच्छी हो गई, इसे मारना तो ठीक नहीं है। फिर अंकिल के पास पहुंची, वो 3 मास जहर खिला दिया, उसका असर खत्म करना है, क्यों, मारना नहीं चाहती सास को, तो बहुत अच्छी हो गई। अंकिल हंसने लगे, पगली वो जहर नहीं था, वो तो मैंने तुम्हें राख दी थी, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो निकल गया, जाओ दोनों सुखी रहो। तो यदि आपको अपने संबंधों में, घरों में, परिवारों में प्यार की गंगा बहानी है, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। डू यू एक्सेप्ट इट? आज से शुरू कर दो। ये नहीं नमक जरा सा कम रह गया तो पत्नी को साउटिंग, अरे कहो वाह बहुत अच्छा भोजन बनाया, जरा सा नमक का और ध्यान रखना, बस कितना अच्छा होगा। बोलने का तरीका ही तो है ना, हमारे बोल दूसरे को महान बना सकते हैं, हमारे बोल किसी को डिप्रेस कर सकते हैं।
तो सब आज से एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, इससे इनर पावर, इनर स्किल, इनर टैलेंट्स जागृत हो जाते हैं। आप अपने संगठनों में भी जहाँ टीम वर्क आपका है, इस टेक्निक को अपनाएंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट, एनकरेज, वाह वाह बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा ये और कर लो, तो इससे मनुष्य के मन में प्यार होता है, सम्मान होता है। मुझे विश्वास है आज से आपके थॉट्स बदल गए, अब से, अभी से, और कल से शुरू कर देना। कल जब हम मेडिटेशन करने आएंगे, मैं मेडिटेशन के बाद ये थॉट्स आपको दो मिनट में करा दूंगा, तो पक्के हो जाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।